बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 सितंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने बताया कि 15 लाख रुपए के लिए उन्होंने भी खुलवाया था खाता पर नहीं मिला। के पाठक ने बीजेपी नेताओं को मिलने का नहीं दिया समय, सरकारी स्कूलों में छुट्टी रद्द करने के खिलाफ देने वाले थे ज्ञापन। मुंबई से बैठक करके लौटे तेजस्वी यादव, कहा वन नेशन वन इनकम की हो व्यवस्था। मैं साथ नहीं रह सकता, मेरे घर रहना है तो मेरे भाई के साथ गांव में रहो, शादी के साल भर बाद ही वीडियो ने पत्नी से किया किनारा। नीतीश कुमार ने फिर से जताई समय से पहले लोकसभा चुनाव की आशंका, केंद्र के इस कदम पर इंडिया को चेताया। विपक्षी एकता से डर गई है भाजपा, वन नेशन वन इलेक्शन का राजद ने जताया विरोध। एक दिन में करोड़ों की मीट मछली खा गए बिहार के लोग, सावन खत्म हुआ तो फिर बाजार में उमड़ी रिकॉर्ड भीड़। नीतीश कुमार को बड़ा ऑफर देकर के विपक्ष का खेल बिगाड़ेगी बीजेपी। नेपाल में बारिश से बिहार में हाहाकार, टापू में तब्दील हुए गांव। बिहार पुलिस ने शुरू की नई पहल, अब लोग फेसबुक के जरिए करेंगे एसपी से सीधे शिकायत। फिर बिहार आ रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इस बार गया में लगेगा दिव्य दरबार, जाने पूरा कार्यक्रम। देश की जनता को नहीं मालूम है इंडिया गठबंधन का नाम, बोले बीजेपी नेता, पीएम बनकर के अपने अपने आरोप को खत्म करना चाहते हैं विपक्ष के नेता। पटना में अगस्त महीने में कटे करोड़ रुपए का चालान, रक्षाबंधन के दिन वसूले गए 8 लाख रुपए का जुर्माना। राजनीति ही नहीं बिहार भी छोड़ देंगे पप्पू यादव, किया बड़ा ऐलान, कहा चौराहे पर बैठ करके बांटेंगे पैसे। दोस्तों अब बात करते हैं विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार के रक्षाबंधन समेत कई छुट्टियां रद्द करने को लेकर के जमकर के विवाद मचा हुआ है। जब बिहार के कई शिक्षक संघ के तरफ से इसका विरोध भी किया जा रहा है, कई स्कूल में टीचर्स काली पट्टी बांध करके स्कूल जा रहे हैं। अब इन्हीं बातों को लेकर के सीएम नीतीश कुमार से पत्रकार द्वारा सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कहां कोई विवाद हो रहा है, खाली झूठे बोलता रहता है तुम सब लोग। अरे भाई, सब कोई पढ़ना चाहता है, सब कोई बढ़ना चाहता है। आगे सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इसमें कहां कोई बुराई है, हम लोग यही ना चाहते हैं कि सब कोई पढ़े, तो इसी को लेकर के ना ये चीज सब कुछ हो रहा है, इसमें कहां कोई गलत बात है। अधिकारी और विभाग समझते हैं तो फैसला लेते हैं, इसमें क्या कोई गलत है, हमको आश्चर्य होता है कि इसमें कोई विवाद होता है, या हम तो चाहते हैं कि पढ़ाई समय पर होता रहे। हालांकि किसी को कोई शिकायत है तो फिर हमसे आकर के मिले, हम तो सबका सुनते हैं और सुनते रहेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि मुंबई में आयोजित हुई इंडिया गठबंधन की तीसरी महाबैठक के अगले ही दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। राबड़ी आवास पर इन दोनों बड़े नेताओं की अहम मुलाकात हुई है। जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच इंडिया गठबंधन को लेकर के बातचीत हुई है। इसके साथ ही बिहार के भी कई अहम मुद्दों पर दोनों नेताओं में चर्चा हुई है। इस मुलाकात के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राबड़ी आवास से निकल करके अपने आवास पर चले गए। आपको बता दें कि मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को आयोजित हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में शिरकत करने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार की रात पटना लौट आए हैं। जब पटना लौटने के बाद उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन पर बड़ा बयान दिया है, जैसे साथ ही इशारों में ही सारी बातें कह दी है। पटना लौटे नीतीश कुमार ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है तो फिर इसका मतलब तो समझ रहे हैं ना आप, इसके बाद का मतलब है कि जल्द ही चुनाव कराना है, या ऐसे में हम सबको एकजुट होने का काम करना है। मीडिया से बात करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक हुई थी, अच्छी बात है, जहाँ सब लोगों ने मिलकर के बात की है, सब कुछ तय हो गया है, जहाँ हम लोगों को बहुत तेजी से काम करना है।
केंद्र वाला तो पहले भी चुनाव करा सकता है, इसीलिए हम लोगों को एकजुट होकर के काम करना होगा। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि केंद्र को जो काम करना चाहिए वह तो कर नहीं रहे हैं। हमने जाते गन्ना की मांग की थी वह भी नहीं कराया गया, लेकिन जो उनकी जिम्मेदारी थी जनगणना कराने की उन्होंने वो भी नहीं किया। जबकि जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन 3 साल गुजर जाने के बाद भी केंद्र सरकार ने अब तक कोई पहल नहीं की है। वहीं पर वन नेशन वन इलेक्शन के सवाल पर जवाब देते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि लोकसभा का सत्र बुलाया जा रहा है तो फिर इसका मतलब समझ रहे हैं ना, इसके बाद का मतलब है कि जल्द चुनाव कराना है। आपको बता दें कि मुंबई में 28 दलों के 62 प्रतिनिधियों की 2 दिवसीय मंत्र गणना के बाद विपक्ष दलों ने अपने गठबंधन के लिए 14 सदस्यीय समन्वय समिति, 19 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति, सोशल मीडिया से संबंधित 12 सदस्यीय कार्य समूह, मीडिया के लिए 19 सदस्यीय कार्य समूह और शोध के लिए 11 सदस्यीय समूह का गठन किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बागेश्वर बाबा के नाम से जाने जाने वाला बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फिर से बिहार आ रहे हैं। इस बार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 7 दिनों तक बिहार में रहने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इसी महीने 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक गया जी में श्रीमद भगवत कथा करने वाले हैं। बागेश्वर बाबा के इस 7 दिनों के बिहार दौरे के दौरान 2 दिनों का दिव्य दरबार भी होगा। मिली जानकारी के अनुसार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गया जिले में पितृपक्ष मेले के दौरान श्रीमद् भगवत कथा का पाठ करेंगे। यहाँ पितृपक्ष के मेले में देश विदेश से लोग अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गया जी पहुँचते हैं। यह इस दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 7 दिनों तक गया में ही रहेंगे। ऐसे में श्रीमद् भगवत कथा सुनने के लिए गया में काफ़ी संख्या में लोगों के जुटने का अनुमान है। आपको बता दें कि जब पटना के नौबतपुर में स्थित तरेथ मठ में मई महीने में 5 दिनों तक हनुमंत कथा का आयोजन किया गया था, तो फिर उसी दौरान लगभग 1 दिन में 10 लाख लोग पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने और फिर उनको देखने के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था कि बिहार में भक्ति दिखती है और फिर यही वजह है कि लाखों की संख्या में बागेश्वर बालाजी के भक्त हनुमंत कथा में पहुंच रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा था कि जब तक उनके शरीर में प्राण रहेगा तब तक वे बिहार आते रहेंगे और पटना के बाद गया में दिव्य दरबार लगाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने लोगों को शिकायत करने के लिए सीधे जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के दरवाजे खोल दिए हैं। जब बिहार के शहरी और फिर ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित पुलिस अधीक्षकों को लोगों से सीधे संवाद करने के निर्देश दिए हैं। जब पीड़ित SP को अपनी समस्या बताएगा और फिर निजात दिलाने के लिए किए जाने वाले कार्यों की जानकारी लेगा और फिर उसके निस्तारण के तरीके के बारे में बातचीत करेगा। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक पहले चरण में यह सुविधा पटना, दरभंगा, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, कटिहार, गोपालगंज जिलों में जन आधारित तकनीक की आधारित थीम पर संवाद शुरू कर किया गया है। बताया जा रहा है कि इसकी सफलता के बाद अन्य जिलों में इसकी शुरुआत की जाएगी। वर्तमान में जन शिकायतों की सुनवाई को लेकर के जिला से लेकर के पुलिस मुख्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इसमें दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक अब तकनीकी माध्यम से जन शिकायत सुनी जाएगी। फिलहाल ये सुविधा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और फेसबुक लाइव पर उपलब्ध है। इसके साथ ही जिन लोगों को फेसबुक का अनुभव नहीं है वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिकायत दर्ज कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें जिले के थाना SDPO कार्यालय जाकर के पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे या फिर उन्हें स्लॉट दिया जाएगा। जिस दिन का स्लॉट दिया जाएगा उस दिन थाना आना होगा, उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी समस्याओं की जानकारी दे सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि अब बिहार के सरकारी स्कूलों में भी AC लगेगा। यह गर्मी के मौसम में बच्चों को कुल रखने के लिए यानी कि ठंडा रखने के लिए शिक्षा विभाग ने AC लगाने का फैसला किया है। जब बिहार के माध्यमिक स्तर के स्कूलों में AC, फ्रीज, TV निर्धारित किराए पर लेकर के लगाने का निर्णय लिया गया है। यह किराए का भुगतान प्रतिमा स्कूल के छात्र और फिर विकास कोष से किया जाएगा। जहाँ ये सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध कराने वाली एजेंसी भी तय कर ली गई है। शिक्षा विभाग के निदेशक सह अपर सचिव सुबोध कुमार ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखकर के कहा गया है कि सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन ऑफ होम एंड ऑफिस अप्लायंस से प्रतिमा किराए पर स्कूलों में AC और TV लगवाया जाए। जहाँ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सबसे अधिक उपयोग राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद एवं राज्य के सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में किया जाएगा।
दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव के लिए कमेटी गठित कर दी है। जब पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कमेटी कानून के सभी पहलुओं पर विचार करेगी और फिर एक देश एक चुनाव की संभावना का पता लगाएगी। गौरतलब है कि वन नेशन वन इलेक्शन के विचार का मतलब देश में लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने से है। जब बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनाए जाने का स्वागत करते हुए कहा कि इससे देश में विकास की गतिविधि तेज होगी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि साल 2019 में चुनाव में सरकार और फिर राजनीतिक दलों के खर्च मिलाकर के 60,000 करोड़ रुपए के आसपास थे। जब कभी ना कभी आचार संहिता लगी रहती है और फिर विकास का काम बाधित हो जाता है, इसलिए पूरे देश में अगर लोकसभा और फिर विधानसभा के चुनाव एक साथ हो तो फिर और अरबों खरबों रुपए की बचत होगी और विकास की गतिविधि भी तेज होगी। सुशील कुमार मोदी ने आगे कहा है कि 1967 में एक साथ लोकसभा विधानसभा का चुनाव हुआ था, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं हो पाया। इसके पहले लॉ कमीशन और फिर इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया, अगर एक राष्ट्र एक चुनाव होता है तो फिर देश के विकास के लिए बेहतर है। या सरकार कमेटी की रिपोर्ट देखेगी और फिर आगे रणनीति तय करेगी कि कैसे आगे बढ़ना है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बाढ़ से हाहाकार की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है। नेपाल में फिर से बारिश हुई है, जिसका असर बिहार में भी देखने को मिलने लगा है। जहां बारिश के बाद जहां नदियों में उफान है तो फिर वहीं कई जिले अब बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। गांव के गांव जल समाधि हो ले चुके हैं, लेकिन अभी तक बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए शासन प्रशासन नहीं पहुँच रहे हैं। जब बिहार में हाहाकारी बाढ़ का तांडव जारी है, बाढ़ की चपेट में आए जिलों से तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही है। जहां गांव के गांव टापू बन गए हैं, जहां लोगों के घर बाढ़ जलमग्न हो गए हैं, जहां खेतों में लगी फसलें बाढ़ के पानी में डूब करके बर्बाद हो रही है। कई गांव का तो एक दूसरे से संपर्क भी टूट चुका है। जहाँ बिहारवासी एक बार फिर से बाढ़ की विभीषिका झेलने को मजबूर हो गए हैं। इस बार बाढ़ के प्रहार से कटिहार में हाहाकार मचा हुआ है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। आपको बता दें कि कटिहार जिला के अहमदाबाद की तो यहां के लोगों के लिए बाढ़ की त्रासदी मानो नियति बन गई है। जहां कटिहार जिले में पिछले 2 महीने में गंगा नदी महानंदा नदी के बढ़ते जलस्तर के चलते अहमदाबाद के परदियारा भवानीपुर चौकी पहार दुर्गापुर पंचायत के साथ साथ कई पंचायत जल समाधि ले चुके हैं। सड़कें डूब चुकी है, घरों में पानी घुस गया है, यहाँ तक कि पुल पुलिया भी पानी में समा चुके हैं। जहाँ ऐसे में लोगों के लिए एकमात्र सहारा नाव बच गया है, लोग नाव के सहारे ही आवाजाही करने को मजबूर हो गए हैं। इस जिले में बाढ़ के बाद हर साल ऐसी तस्वीरें दिखती है, इसके बावजूद भी शासन प्रशासन बाढ़ के हालातों से निपटने के लिए कोई भी पहल नहीं करता है। ग्रामीणों को उनके हालात पर छोड़ दिया जाता है। ग्रामीणों की माने तो वे पिछले 2 महीने से प्राइवेट नाव के सहारे अपनी जान जोखिम में डाल करके आवाजाही करने को मजबूर हो गए हैं। आवाजाही के लिए उन्हें हर बार 50 से 60 रुपए का किराया भी देना पड़ता है। जब कई बार प्रशासन को हालात की जानकारी दी गई है, लेकिन अब तक प्रशासन ने सरकारी नाव की कोई भी इंतजाम नहीं किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पिछले कुछ दिनों से मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जहाँ वही मानसून की सक्रियता कमजोर पड़ने से बारिश भी कम हो गई है। जहाँ आज बिहार के उत्तरी हिस्से के 19 जिलों में गरज चमक हल्की बारिश के आसार हैं। राजधानी पटना समेत अन्य जिलों में अन्य इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। पटना में अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं मुजफ्फरपुर में अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अगर बात करें भागलपुर की तो यहाँ आज न्यूनतम तापमान 29 अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सितंबर में शुष्क मानसून के कारण सामान्य बारिश की संभावना है। बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, लेकिन भारी बारिश का प्रबल संभावना नहीं है। जब बारिश में कमी आने से तापमान में भी असर पड़ेगा। जब बिहार में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने के कारण उमस भरी गर्मी हो रहेगी। आपको बता दें कि बिहार में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक मानसून ट्रफ हिमालय की तलहटी से होकर के गुजर रही है, जिसके कारण आज उत्तरी भागों के 19 जिलों में गरज बिजली कुछ स्थानों पर हल्की सी बारिश होने की संभावना है। साथ ही आज कुछ स्थानों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव अक्सर केंद्र सरकार पर हमलावर रहते हैं। एक बार फिर से पप्पू यादव कई मामलों को लेकर के पीएम मोदी सहित राज्य सरकार और फिर के पाठक पर जमकर के निशाना साधा है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पर जमकर के भड़ास निकाला है। पप्पू यादव ने के पाठक पर हमला करते हुए कहा कि आप संविधान के आधार पर चलिए, अपना अलग संविधान और फिर कानून नहीं बनाइए। वहीं प्रधानमंत्री को सलाह देते हुए कहा कि आप वन नेशन वन इलेक्शन के बजाय वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान दीजिए।
दरअसल शनिवार को जनअधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने पटना के पार्टी कार्यक्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान पप्पू यादव ने पीएम मोदी पर तीखे वार किए। जब नरेंद्र मोदी को सलाह देते हुए पप्पू यादव ने कहा कि मैं मोदी जी को एक नेक सलाह देना चाहता हूं कि जो 5 दिन का सत्र बुला रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी वन नेशन वन इलेक्शन के बजाय वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम को देश में लागू करें। पप्पू यादव ने कहा कि आप वन नेशन एविएशन एम्प्लॉयमेंट पर बात कीजिए या मैं आपको चुनौती देता हूं, कभी आपको हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल बातों बातों में पप्पू यादव ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि वे देश में हिंदू मुस्लिम करके वोट लेने का काम करते हैं। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर संविधान के विरोध काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आप संविधान और फिर कानून से ऊपर नहीं है, या संविधान और कानून जो कहता है आपको उसको उसके मुताबिक काम करना चाहिए। सरकारी स्कूल कॉलेजों में कोचिंग की व्यवस्था नहीं है, लगभग 1200 स्टूडेंट पर एक प्रोफेसर है। पप्पू यादव ने कहा है कि आप बच्चों को मारना चाहते हैं, आखिर कौन दोषी है? एग्जाम के समय जबरदस्ती बच्चों को ठूस करके बैठाना, समस्तीपुर में गरीब बच्चों को मार दिया। वहीं छुट्टी रद्द करने पर पप्पू यादव ने कहा है कि पाठक जी आप गवर्नमेंट के कैलेंडर से चलिएगा कि अपना कैलेंडर बनाइएगा। पप्पू यादव ने कहा है कि के पाठक शिक्षकों को मानसिक तौर पर परेशान कर रहा है, जब वह उनके पैसों में कटौती कर रहे हैं। अगर शिक्षक काम नहीं कर रहे हैं तो फिर उनको नौकरी से निकाल दीजिए, ना कि उनका पैसा रोक दीजिए। वहीं पप्पू यादव ने कहा है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो फिर वे नेशनल वन नेशन वन एविएशन एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, जहां उनकी सरकार में सभी को नौकरी मिलेगी। अगर वे हर परिवार के लोगों को नौकरी नहीं दे पाएंगे तो फिर वे गरीबों के लिए 50 लाख रुपए का रोजगार करने के लिए देंगे, या वह इन पैसों को गरीब परिवार को कम से कम 1 साल और फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल में सरकार को वापस करना होगा। पप्पू यादव ने कहा है कि वे खुद चौराहे पर बैठ करके गरीब परिवार को पैसे देंगे और उनकी सरकार में किसी भी परिवार का सदस्य बेरोजगार नहीं रहेगा। वहीं साथ ही पप्पू यादव ने ऐलान किया है कि अगर वे अपनी सरकार में ये नहीं कर पाएंगे तो फिर वे राजनीति छोड़ देंगे। पप्पू यादव ने कहा है कि वे ना सिर्फ आजीवन राजनीति छोड़ देंगे बल्कि पूरी तरीके से वे बिहार भी छोड़ देंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार का शिक्षा विभाग अपने स्कूलों के शिक्षकों को तरह तरह का टास्क दे रहे हैं। जब सरकारी स्कूलों के हेडमास्टर को पहले मिड डे मील का खाली बोरा बेचने का काम मिला था, उसके बाद कबाड़ की बिक्री का काम सौंपा गया। जब राज्य भर के सरकारी स्कूलों में पुराने और फिर बेकार पड़े सामानों की नीलामी का आदेश दे दिया गया है, अब सरकार की ओर से कबाड़ का रेट भी तय कर दिया गया है। जहाँ बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से कबाड़ बेचने का आदेश जारी करने के बाद पटना जिले में कबाड़ का रेट भी तय कर दिया गया है। पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 1 सप्ताह के भीतर सरकारी स्कूलों से सारा कबाड़ बेचने का निर्देश दिया है। जब सरकारी स्कूलों में कबाड़ के रेट तय कर दिए गए हैं, जब पुराना कंप्यूटर 50 रुपये किलो तो मिड डे मील का पुराना बर्तन 20 रुपये किलो की रेट से बिकेगा। जब DEO की ओर से ये जानकारी सभी मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के प्रधान अध्यापक और सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दे दी गई है। दरअसल शिक्षा विभाग से आदेश मिलने के बाद जिले में पिछले 15 दिनों से सभी स्कूलों में पुराने बेकार पड़े सामान की पहचान की जा रही थी। लगभग हर स्कूल में 500 किलो से अधिक कबाड़ पाया गया है। आपको बता दें कि पटना जिले में 4076 सरकारी स्कूल हैं। पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया है कि सभी स्कूलों में 150 पुराने सामान मिले हैं, जिन्हें 1 सप्ताह के अंदर हटा दिया जाएगा। पुराने सामान की नीलामी से जो पैसे आएंगे उसे स्कूल के विकास में खर्च किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार दौरे पर पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर जमकर के निशाना साधा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने कहा कि वे विपक्षी गठबंधन के कन्वेनर बने या फिर ऑब्जर्वर बने कोई फर्क नहीं पड़ता, जो अपने राज्य बिहार में अपनी विश्वसनीयता नहीं रख पाए वे देश में क्या बनाएंगे। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 2010 में 115 सीट जीते थे, लेकिन 2020 में ये आंकड़ा घट करके 43 पर पहुंच गया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी 43 पर ही आउट हो गई। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है नीतीश कुमार दिन प्रतिदिन किस तरह की अपनी विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं। नीतीश कुमार को नहीं मालूम है कि जनता का दिल जीतना कितना जरूरी है। जो बिहार की जनता का दिल नहीं जीत पाए वे देश में कैसे जीतेंगे। वहीं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर भी हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि लालू जी की तो मजबूरी है, वे तो चाहते हैं कि नीतीश कुमार जल्द कन्वेनर और ऑब्जर्वर बने। नीतीश कुमार को जल्द बिहार से बाहर भेज देंगे और फिर छोटे बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। उन्होंने कहा कि लेकिन लालू जी को ये उल्टा पड़ेगा, क्योंकि 2025 तक
नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले नहीं है। उन्होंने कहा है कि लालू का काम है बोलना, वे बोलते रहेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी का कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे। नरेंद्र मोदी सूरज है, जिस तरीके से सूरज पर कोई भी कीचड़ नहीं फेंक सकता, उसी तरीके से नरेंद्र मोदी पर कोई भी कीचड़ नहीं फेंक सकता। जब सूर्य हमेशा चमकता है और चमकता रहेगा। संसद के विशेष सत्र को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार का काम सत्र बुलाना है, इससे विपक्ष को पेट में दर्द क्यों हो रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जदयू और भाजपा अलग अलग है। जहां इधर बिहार में जाति गणना के सर्वे का काम पूरा हो चुका है, बिहार में जाति गणना को लेकर के सियासी भी गर्मा गई है। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार भाजपा पर हमलावर है, केंद्र सरकार और भाजपा को दलित और फिर पिछड़े विरोधी बता करके जदयू और राजद लगातार हमला करती आई है। जब भाजपा पर आरोप लगाया जाता है कि जातिगत जनगणना के विरोध में पार्टी और फिर सरकार रही है, वहीं अब जदयू केंद्र सरकार के खिलाफ जदयू का पोल खोल अभियान शुक्रवार से शुरू कर दी गई है। इस अभियान के क्या क्या मायने हैं हम आपको भी बता रहे हैं। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार के खिलाफ जदयू का पोल खोल अभियान शुक्रवार से शुरू हुआ है। जब पार्टी ने इस अभियान को राज्य में 3 चरणों में चलाने का निर्णय लिया है। पहले चरण में 1 से 5 सितंबर तक सभी जिला मुख्यालयों में मशाल जुलूस एवं कैंडल मार्च निकाला जाएगा। पटना जिला जदयू की तरफ से जदयू मुख्यालय से हार्डिंग पार्क तक मशाल जुलूस और कैंडल मार्च निकाला जाएगा। या इसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, पटना जिला के पदाधिकारी और फिर कार्यकर्ता सहित कई बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। जदयू के पोल खोल अभियान का दूसरा चरण 7 से 12 सितंबर तक प्रखंड मुख्यालयों में आयोजित होगा। इसमें मशाल जुलूस एवं कैंडल मार्च निकाल करके जदयू नेता और कार्यकर्ता केंद्र सरकार की नीतियों की पोल खोलेंगे। अभियान का तीसरा और फिर अंतिम चरण 15 से 20 सितंबर तक आयोजित होगा। इसमें पार्टी के सभी पदाधिकारी अपने अपने घरों में काला झंडा लगा करके मौजूदा केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हुई। यह इस बैठक में कांग्रेस, जदयू समेत 1.5 दर्जन से ज्यादा सियासी पार्टियों के नेताओं ने शिरकत की है। यह सभी ने एक सुर में एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ने और फिर केंद्र की मोदी सरकारों को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। जब बैठक को संबोधित करते हुए जदयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अब सभी दल प्रचार प्रसार में जुटेंगे और दिल्ली वाली सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का उद्बोधन भी इस मीटिंग के दौरान सुर्खियों में रहा, जहां उन्होंने भी केंद्र की भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया और अपने ठेठ अंदाज में उन पर सियासी तीर छोड़े। जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश को ठगा है, भाजपा झूठा बोल करके सत्ता में आई है। जब उन्होंने पहले सभी के बारे में दुष्प्रचार किया था, उनके बारे में भी कहा था कि उनका पैसा स्विस बैंक में है। मोदी ने कहा था कि सभी के बैंक खाते में 15-15 लाख रुपए डाल दिए जाएंगे, ये कहकर के खाते खुलवा लिए गए थे। जब खुद उन्होंने भी अपना खाता खुलवाया था, जब उनके घर पर कुल 11 लोग हैं, लगा था कि सभी बैंक खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे तो काफ़ी पैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम लोगों को भी पैसा नहीं मिला। दोस्तों बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान अहम फैसला सुनाया है और कहा है कि अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चे अपने माता पिता की संपत्ति में हिस्सा पाने के हकदार हैं। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे बच्चों को वैधानिक रूप से वैधता की दी गई है और उन्हें अपने माता पिता की संपत्ति में पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ये कानून हिंदू लोगों पर मान्य है, यानी कि केवल हिंदू उत्तराधिकारी कानून के अनुसार अधिकारों का दावा कर सकते हैं। आपको बता दूं कि यह अदालत के पहले से निष्कर्षों को पलट देता है, जिसमें कहा गया था कि अमानवीय विवाह से होने वाले बच्चों को केवल अपने माता पिता की स्व अर्जित संपत्ति पर अधिकार हो सकता है, न कि पैतृक संपत्ति पर। जब मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड की अगुवाई वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ 2011 के एक मामले में 2 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि अमानवीय विवाह से बच्चे अपने माता पिता की संपत्ति को प्राप्त करने के हकदार हैं, चाहे वे खुद अर्जित किए हुए पैतृक क्यों ना हो। दोस्तों बात करते हैं कि कम लागत में बिजनेस शुरू करने का बेहतरीन आइडिया है, जहां आप 20,000 रुपये निवेश करके 5 लाख रुपये तक मुनाफा कमा सकते हैं। आपको बता दूं कि सभी लोगों की चाहत होती है कि कम लागत में अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जाए। या इसके लिए सभी लोग कड़ी मेहनत भी करते हैं, या इसके बावजूद भी सभी लोगों को सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत के साथ साथ सही आइडिया का चुनाव भी करना होता है। अगर आपका आइडिया सही नहीं है तो फिर अधिक से अधिक पैसे लगाने के बाद भी मुनाफा बहुत कम होगा। या इसीलिए अभी हम आपको एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताएंगे जिसे अपना करके आप लागत के मुकाबले 20 गुना अधिक फायदा कमा सकते हैं। अगर आप खेती को बिजनेस के रूप में करना चाहते हैं तो फिर लेमन ग्रास फार्मिंग आपके लिए अच्छा विकल्प होगा। लेमन ग्रास फार्मिंग एक ऐसी फसल है जिसमें कम निवेश करने पर कई गुना अधिक मुनाफा होता है।
ये एक औषधीय फसल है, इसके तेल से कई सारे सुगंधित प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, साथ ही इससे दवाइयां भी बनाई जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें औषधीय गुण पाए जाने की वजह से बीमारियां भी नहीं लगती है, इसलिए फसल को नुकसान पहुंचने का डर भी नहीं रहता है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने मन की बात कार्यक्रम में लेमन ग्रास का जिक्र कर चुके हैं। तब उन्होंने झारखंड के गुमला जिला में स्थित विष्णुपुर में संयुक्त रूप से लेमन ग्रास की खेती करने वाले 30 लोगों के समूह की प्रशंसा भी की थी। दरअसल लेमन ग्रास एक अधिक व्यावसायिक फसल है, जब रोपाई करने के 4 महीने के बाद वह तैयार हो जाता है। जब अभी इंटरनेशनल मार्केट में लेमन ग्रास का जबरदस्त मांग है, जब इससे साबुन तेल और फिर दवाइयां सहित सौंदर्य प्रसाद भी बनाए जाते हैं। आप बंजर जमीन पर भी लेमन ग्रास की खेती करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, साथ ही इसकी फसल को ज़्यादा उर्वरक की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, इसलिए उर्वरक पर होने वाले खर्चों से भी राहत मिलेगी। अगर आप चाहें तो फिर मिनिमम 20,000 रुपये निवेश करके इसकी खेती शुरू कर सकते हैं। जहाँ अगर आप 20,000 रुपये की लागत से 1 हेक्टेयर में इसकी खेती शुरू करते हैं, जो 6 साल में 4 से 5 लाख रुपये का मुनाफा कमा सकते हैं। इसकी खासियत है कि एक बार खेती शुरू करने पर आप इससे 4 से 6 सालों तक पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि सेंट्रल रेलवे भर्ती की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अनुसार सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिस के 1,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस पद के लिए योग्यता के बारे में अगर बात किया जाए तो इस पद पर आवेदन करने के लिए छात्रों को मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास होना अनिवार्य है। 10वीं में कुल 50% अंक हो चाहिए, साथ ही छात्रों के पास संबंधित ट्रेन में ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए जरूरी है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार छात्रों की उम्र इस पद के लिए 15 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात किया जाए तो इस वैकेंसी की खास बात यह है कि इन पदों पर सिलेक्शन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। मेरिट लिस्ट मैट्रिक यानी कि 10वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत और जिस ट्रेड में अप्रेंटिसशिप करना है उसमें IIT अंकों के बेस्ट आनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक ने बिहार के मुख्य विपक्षी दल BJP के नेताओं को मिलने का टाइम नहीं दिया है। जहां MLC नवल किशोर यादव के नेतृत्व में BJP नेताओं का प्रतिनिधिमंडल KK पाठक से मिलकर के उन्हें ज्ञापन देना चाह रहा था। BJP नेता सरकारी विद्यालयों में इस छुट्टियां रद्द होने के खिलाफ ज्ञापन देने वाले थे, लेकिन पाठक ने उनका कोई भी नोटिस नहीं लिया। आपको बता दें कि राज्य सरकार अपने अधिकारियों को बार बार ये निर्देश देती रही है कि वे जनप्रतिनिधियों के साथ सम्मान से पेश आएं। या अगर कोई जनप्रतिनिधि उनसे मिलना चाहता है तो फिर वे ना सिर्फ उनसे मुलाकात करें बल्कि अपने कक्ष में खड़े होकर के स्वागत करें, उन्हें अपने चैम्बर के दरवाजे तक छोड़ने भी आएँ। लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टियों के विधान पार्षद ने समय मांगा और फिर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कोई भी नोटिस ही नहीं लिया। BJP के MLC नवल किशोर यादव ने बताया है कि वे स्कूलों में छुट्टियां कम करने के आदेश के खिलाफ ज्ञापन देना चाहते थे। जब बिहार के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और फिर शिक्षा मंत्री पटना में अभी उपलब्ध नहीं है, ऐसे में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक को ज्ञापन देना का फैसला किया गया, लेकिन KK पाठक ने बताया ही नहीं कि वे कब उपलब्ध होंगे, उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। दोस्तों अब बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने घरेलू LPG गैस आयात को लेकर के बड़ा फैसला लिया है। जब सरकार ने LPG के आयात शुल्क में कटौती की है, जब साथ ही इस पर लगने वाला एग्री सेस और इंफ्रा सेस को 15% से घटा करके 0 कर दिया है। ये फैसला 1 सितंबर से ही प्रभावी हो गया है, जहां इनके आयात पर जुलाई में एग्री सेस लगाया गया था। वित्त मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। या सरकार ने इस फैसले से पहले प्राइवेट कंपनियों को LPG के आयात पर 15% का इम्पोर्ट ड्यूटी देना पड़ता था और 15% एग्री और इंफ्रा सेस चुकाना होता था, लेकिन अब इस कटौती के बाद आयात लागत में कमी आएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG लिक्विडफाइड प्रोपेन और लिक्विडफाइड ब्यूटेन को आज से ही एग्री सेस से पूरी तरीके से मुक्त कर दिया गया है। आज कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में कटौती की गई है। जहां सरकारी तेल कंपनियों ने आज 1 सितंबर को कमर्शियल यूज़ वाले सिलेंडर की कीमतों को अपडेट किया है, जिसमें 19 किलो वाले सिलेंडर के दाम में 157 रुपये कमी की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि आधार कार्ड का मतलब भारत सरकार की ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी की गई 12 अंकों की व्यक्तित्व पहचान संख्या है। जब कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी उम्र
और फिर लिंक का हो जो भारत का निवासी हो UIDAI के अंतर्गत आधार के लिए नामांकन कर सकता है। यह भारत के सभी निवासियों के लिए आधार नामांकन निःशुल्क है, जहां आधार नंबर सभी लोगों के लिए यूनिक होता है और जीवन भर वैध रहेगा। आधार नंबर निवासियों को उचित समय पर बैंकिंग, मोबाइल फोन कनेक्शन और फिर अन्य सरकारी और फिर गैर सरकारी सेवाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करता है। UIDAI ने जानकारी दी है कि जिन आधार यूजर्स ने 10 साल से अपना आधार अपडेट नहीं कराया है तो उन्हें जल्द से जल्द अपना आधार कार्ड अपडेट करा लेना चाहिए। या अगर कोई यूजर अपना आधार अपडेट नहीं कराते हैं तो फिर उन्हें भविष्य में सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। UIDAI ने कहा है कि कोई भी आधार उपयोगकर्ता केवल 14 सितंबर तक आधार को मुफ्त में अपडेट कर सकता है। यह इसमें कहा गया है कि आधार को केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से मुफ्त में अपडेट किया जा सकता है। अगर कोई भी आधार केंद्र पर जाकर के इसे अपडेट कराना चाहता है तो फिर उसे ₹50 का चार्ज देना होगा। भारत के निवासी अपने आधार नंबर का उपयोग करके www.myaadhar.uidai.gov.in/portal पर जाकर के इसको साइन करके मुफ्त सेवा का उपयोग कर सकते हैं। एक वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। इसके अलावा उपयोगकर्ता डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर सकते हैं, जहां अपनी जानकारी को सत्यापित कर सकते हैं और फिर अपनी जानकारी को दोबारा सत्यापित करने के लिए दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे युग में जहां डिजिटल भुगतान भारत में अधिकांश लोगों के लिए बहुत ज़रूरी बन गया है, वहीं इसके इस्तेमाल को लेकर भी खूब नए नए तरीके सामने आने आ गए हैं। जहां इस बीच एक आंटी के पेमेंट लेने का स्टाइल ने सबको हैरान कर दिया है। जहां सब्जी विक्रेता के जुगाड़ को दिखाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब धूम मचा रहा है। इसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी ध्यान खींच लिया। महिला का वीडियो महाराष्ट्र किसान के इंस्टाग्राम पेज पर साझा किया गया था और इसे 15 लाख लाइक मिल चुके हैं। जब वीडियो में शख्स महिला विक्रेता से कुछ मूंगफली खरीदता हुआ नजर आ रहा है, जब वह उनसे QR कोड मांगता है तो फिर उसके बाद जो होता है वह काफी शॉकिंग रहता है। दरअसल महिला ने तराजू के पीछे QR कोड लगा रखा होता है और ये देखते ही वह शख्स 1 मिनट को रुक जाता है, मानो जैसे वह इसके लिए कोई ऐसा पहला उदाहरण हो जहां ऐसे जगह कोड लगाया गया हो। अश्विनी वैष्णव ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि डिजिटल इंडिया ने नया रिकॉर्ड हासिल किया है। अगस्त 2023 में UPI भुगतान लेन देन 10 बिलियन का आंकड़ा पार कर गया है। कुछ दिन पहले भारत में भुगतान करने के लिए UPI का उपयोग करने वाले संघीय डिजिटल और फिर परिवहन मंत्री वोल्कर विसिंग का एक वीडियो वायरल होने के बाद भारत में जर्मन दूतावास ने भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे की सराहना की और इसे देश की सफलता की कहानियों में से एक बताया। आपको बता दें कि जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में घोषणा की थी कि दोनों देश यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI भुगतान मोड का उपयोग करने पर सहमत हुए हैं। वहीं अब श्रीलंका, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और फिर सिंगापुर ने भी उभरते फिनटेक और फिर भुगतान समाधानों पर भारत के साथ साझेदारी की है। दोस्तों, बात करते हैं कि STET अभ्यर्थियों को BSEB ने बड़ी राहत दी है। जहां अधिकतम उम्र सीमा में 4 साल की छूट दी गई है। जब पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि BSEB ने ये ऐलान किया है। जब पूर्व MLC प्रत्याशी आनंद पुष्कर ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष से मुलाकात करके सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से छूटे अभ्यर्थियों को आवेदन भरने का एक मौका देने का आग्रह किया था। ये मामला पटना हाईकोर्ट में गया, जिसके बाद कोर्ट ने CTT अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 4 साल की छूट देने का निर्देश दिया है। अब BSEB ने STET अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा में 4 साल की छूट का ऐलान कर दिया है। BSEB के इस ऐलान के बाद सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के सियासत शुरू हो गई है। जहां राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रिया आ रही है। जहां शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वन नेशन वन इलेक्शन पर बयान देते हुए कहा है कि ये हो जाए तो फिर देश के लिए सौभाग्य होगा। गिरिराज सिंह ने कहा है कि जो लोग कुतर्क दे रहे हैं वे देश के लिए नहीं बल्कि अपने लिए कुतर्क दे रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के क्या फायदे ही हो सकते हैं, इस पर गिरिराज सिंह ने कोई चर्चा नहीं की है। जहां जदयू नेताओं की ओर से इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को सबसे योग्य नेता बताने पर गिरिराज सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि सबसे योग्य नेता है तो बन जाइए, ऑब्जर्वेशन या फिर कन्वर्सेशन 18 साल से मुख्यमंत्री है। 2010 में 115 सीट लाए थे और 2020 में 43 पर आ गए। बिहार में अपनी विश्वसनीयता नहीं बना पाया तो फिर देश में क्या बना पाएंगे। अब कन्वेनर बने या फिर ऑब्जर्वर बने, इसी के लिए तो गए हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंबई में विपक्षी एकता की बैठक के बाद शुक्रवार की शाम पटना लौट आए, जहां एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए लोकसभा के विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर के कहा कि हमने तो पहले कहा था कि चुनाव समय से पहले होगा, इसको लेकर के हम लोग तैयारी भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकसभा का विशेष सत्र बुलाने का मतलब क्या है, जो बात को कह रहे हैं वह पहले से जानते थे। वन नेशन वन इलेक्शन के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात कह रहे हैं, उन्हें सबसे पहले देश में वन नेशन वन इनकम की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि फिलहाल केंद्र में बैठी सरकार जो बातें कह रही है वह कहीं से भी उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि हम शुरू से कहते हैं कि सबसे पहले वन नेशन वन इनकम की व्यवस्था कीजिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि जहां तक एक राष्ट्र एक चुनाव की बात है, हम प्रधानमंत्री मोदी को सुझाव देंगे कि पहले वन नेशन वन इनकम तो करें। यहाँ अभी ये कह रहे हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव, बाद में कहेंगे कि केवल केंद्र का ही चुनाव हो, राज्यों का चुनाव खत्म कर देंगे। ये सब बेकार की बातें हैं, कहीं चलने वाली नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सीतामढ़ी जिले के मनानपुर प्रखंड के वीडियो आबिद हुसैन इन दिनों खूब चर्चा में हैं। दरअसल वीडियो आबिद हुसैन की चर्चा उनकी पत्नी के साथ चल रहे विवाद को लेकर के हो रही है। अच्छा, बताया जा रहा है कि वीडियो आबिद हुसैन ने अपनी पत्नी को चरित्रहीन साबित करने के लिए उन पर झूठा केस दर्ज करा दिया और खुद ही इस बात को उन्होंने कैमरे के सामने कबूल किया। दरअसल आबिद हुसैन ने बीते 5 अगस्त को अपनी पत्नी के खिलाफ सीतामढ़ी के नानपुर थाने में एक केस दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी नासरीन बेगम पर आरोप लगाया था कि उसका अपने जीजा के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। अच्छा, इसी प्रेम प्रसंग के कारण वह घर में रखे जेवर और फिर पैसे लेकर के जीजा के साथ भाग गई है। वहीं अब इस मामले में कई नए तथ्य सामने आए हैं, जिसमें ये बात सामने आई है कि वीडियो अपनी पत्नी को अपने साथ रखने को तैयार नहीं थे। जब परिवार वालों के द्वारा इस मामले को लेकर के जब पहल की गई, तो वीडियो आबिद हुसैन ने अपनी पत्नी को उसके रिश्तेदार के साथ नानपुर स्थित अपने घर बुला लिया था, लेकिन बात नहीं बन सकी थी। इस दौरान वीडियो ने कहा है कि मैं पत्नी को साथ में नहीं रख सकता, मेरे घर में रहना है तो फिर मेरे भाई के साथ गांव में रहना पड़ेगा। जब बताया जाता है कि इसके बाद वीडियो और फिर उनकी पत्नी फिर से विवाद हुआ, जिसके बाद वे अपने रिश्तेदार के साथ वापस लौट गई थी। जब वहीं पत्नी के साथ लौटते ही वीडियो ने स्थानीय थाने में किसी शिकायत दर्ज कराई थी। इधर दूसरी ओर वीडियो के खिलाफ भी उनकी पत्नी ने बेतिया के महिला थाने में केस दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने वीडियो आबिद हुसैन पर मारपीट करने, दहेज प्रताड़ना और फिर अपने भाई के साथ रहने को लेकर के दबाव बनाए जाने का जिक्र है। इस मामले में सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि जब पुलिस ने मामले की जाँच को लेकर के वीडियो को बेतिया महिला थाना बुलाया, तब इस मामले में वीडियो आबिद हुसैन ने कहा है कि उसने थाने में अपनी पत्नी के खिलाफ झूठा केस दर्ज कराया था जो उनके बचाव में था, वह अब केस वापस ले लेंगे। जहां इधर दूसरी ओर वीडियो की पत्नी नासरीन बेगम के जीजा ने इस मामले को लेकर के सीतामढ़ी के एसपी मनोज कुमार तिवारी को एक आवेदन देकर के मामले की निष्पक्ष जाँच कराए जाने की मांग की है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक, कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।